जैसे तू मेरा यार है, दर्द दुनिया है तो। हाय गाइज, आज आप सभी को बताऊंगा फुल स्क्रीन टेम्पलेट बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एवी प्लेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एवी प्लेयर एप्लीकेशन ओपन करना है, और ऊपर हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें नीचे चले आना है, बीच में लोड फ्रॉम फाइल, उस पर क्लिक करना है। जो टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे हमें ऐड कर देना है। अब ये टेम्पलेट का लिंक आपको लास्ट बॉक्स में दिखाई देगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें बैक चले आना है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा, तो चलिए मैं इसका सेटिंग बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, और हमें चले आना है टेस्ट पीएनजी इमेज पे, और यहाँ से चले आना है ब्लर पे, और इसे अनविजेबल कर देना है। फिर हमें बैक चले आना है। फिर हमें जाना है ब्लर इफेक्ट पे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपरेंस पे जाना है, और यहाँ से ये दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर हमें बैक चले आना है, और नीचे चले आना है बॉर्डर इमेज पे, इस पर क्लिक करना है। फिर इसे हमें अनविजेबल कर देना है। फिर हमें बैक चले आना है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में फुल स्क्रीन टेम्पलेट बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम फुल स्क्रीन में एक्सपोर्ट कैसे करें, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर एरो का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो वीडियो बिट पर डाल देना है 1080, और वीडियो हाइट पर डाल देना है 1920। फिर हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, नीचे स्पोर्ट का ऑप्शन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।